हेलो गाइज, रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 6, तो एक्स किसके इक्वल होगा? तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का भी होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का अपन फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस 2a मीन्स रूट एक्स और b मीन्स रूट एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर हो गया 36। यहाँ पर स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल, तो यहाँ रहेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ x, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो एक्स माइनस 12 प्लस 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 36। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पार्ट को तो यहीं रखेंगे और बाकी इस कंप्लीट को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास 2 रूट एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 36। 12 नेगेटिव था, बाहर जाते हो जाएगा पॉजिटिव, और एक्स और एक्स टू एक्स बाहर जाते हो जाएंगे नेगेटिव 2x। 2 रूट एक्स माइनस 12, 36 और 12 को ऐड करेंगे तो 48 और माइनस का 2x। इस कंप्लीट पार्ट में 2 से डिवाइड लगा दिया जाए तो इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 2 से, यहाँ भी डिवाइड कर देंगे 2 से, और यहाँ भी डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे 2 कट हो जाएगा, यहाँ रहेगा रूट एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड फिर स्क्वायर करेंगे ताकि इसका रूट हटाया जा सके, तो इस साइड भी अपन स्क्वायर कर देंगे और राइट हैंड की तरफ भी स्क्वायर, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन था तो ये स्क्वायर इसे मिलेगा इस तरह से, रूट एक्स का स्क्वायर रूट एक्स माइनस 12 का भी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो ए मीन्स 24 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए यानी 24 और एक्स, यहाँ से इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट दोनों कट जाएंगे, तो एक्स और यहाँ रहेगा आपका एक्स माइनस 12 इज इक्वल 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 48x। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 576 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 48x। जितने भी x इस साइड लेकर के आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था इस साइड आएगा नेगेटिव हो जाएगा, 48x इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 576। यहाँ एक्स स्क्वायर नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से कट हो जाएंगे, 12x नेगेटिव है 48x पॉजिटिव है, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आने वाले हैं 36x इज इक्वल टू 576। फिर एक्स इज इक्वल टू 576 डिवाइड बाई 36, यानी इसको हम 36 यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। चलो इसको हम 6 से कट करते हैं, पहले 6 से कट करें तो यहाँ पर आएगा 6, इसको 6 से कट करेंगे तो 8 टाइम हो जाएगा, 9 टाइम हो जाएगा, 9 6 54, 9 बार 3 6 यानी 6 बार, तो ये तो हो गया 96। फिर 6 से आप इसको कट कर देंगे ना तो यहाँ पर आएगा 1 और यह आ जाएगा 9, तो मतलब यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो किसकी मिल जाएगी,
16 ही आएगा यहाँ पर, 6 1 6, 3 और 6 36, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6, तो x जो हमारा है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिली, 16 मिली। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो मैच करता है कि नहीं करता है। तो आंसर इस, तो x की वैल्यू अपन पुट करेंगे कितनी, 6, ये है सोल्व, 6 नहीं 16 प्लस, और ये वाला जो x है इसकी जगह भी अपन 16 पुट करेंगे, माइनस 12 इज इक्वल टू 6। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, यहाँ पर बच गया रूट में 4 और इज इक्वल टू 6, 4 और रूट 4 का जो स्क्वायर रूट होता है 2 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है ना वो कितना होगा, 16। तो x की जो वैल्यू है वो 16 होगी। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।